नमस्कार दोस्तों, मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर हम करवा चौथ की बात करें तो साल 2021 में करवा चौथ जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हम सभी इस पर्व को बहुत ही श्रद्धापूर्वक और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ करवा चौथ व्रत की पूजन सामग्री। हालांकि करवा चौथ व्रत को लेकर के बहुत ही अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं, अलग अलग राज्यों में या फिर क्षेत्र विशेष की बात करें तो अलग अलग सामग्री के साथ इस व्रत को किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाली हूं। हालांकि मैंने भी अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से कुछ सामग्री ली है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है कि इनमें से कौन सी सामग्री ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि करवा चौथ के व्रत में कौन सी पूजन सामग्री सबसे ज़रूरी है, तो मैं आपको एक एक करके बताती जाऊँगी। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं भगवान शिव परिवार की फ़ोटो या प्रतिमा को आप जरूर रखें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी करवा माता की फ़ोटो, जिसमें उनके सात भाई बहन, इसमें चंद्र देवता हैं, सूर्य देवता हैं, तो इस फ़ोटो को आप अपने पास ज़रूर रखें, ये दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है। तीसरी सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है करवा चौथ व्रत कथा की किताब। ये पुस्तक बहुत ज़रूरी है, इससे हम करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ते हैं। ये मैंने लाल चुन्नी ले रखी है जो कि हम शिव परिवार को अर्पित करेंगे। उसके बाद जो ज़रूरी सामग्री है वो है करवा। तो यहाँ पर मैंने दो करवे लिए हैं, तो ये हमारा करवा है और दूसरा माता पार्वती का। तो मैं यहाँ साउथ में रहती हूँ, तो साउथ इंडियंस करवा चौथ नहीं करते हैं, तो मुझे ये सामान नहीं मिल पाता है। तो मैंने इस पीतल के लोटे को ही करवा बना लिया है। अगर आपको मिट्टी का करवा मिल जाए तो आप उसे बना सकते हैं, या फिर पीतल का करवा भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर का ये ढक्कन है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दो करवे लेने हैं अगर आप अकेले घर में पूजा कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम समूह में पूजा करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनसे कि हम करवा फेर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको दो करवे की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी है वो है सीके, जो कि करवा में यहाँ पर लगाया जाता है, तो मुझे तो वो नहीं मिल पाया। अगर आपको मिल जाए तो आप सीके ज़रूर लगाइए। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि दोनों करवा में आपको चार चार सीके लगानी है, तो आप आठ सीके लेकर के आइएगा। इसके बाद जो जरूरी सामग्री है वो है कि हमें करवा में क्या क्या भरना है। देखिए, मैंने यहाँ पर लैया ले रखा है और चूड़ा ले रखा है, जिसे चिवड़ा या पोहा भी कहा जाता है। तो देखिए, हर क्षेत्र विशेष में अलग अलग रिवाज होता है करवा में भरने का, तो आपके यहाँ जो भी भरा जाता हो वो आप भर सकते हैं। अब जो जरूरी सामग्री है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्घ देने के लिए। जब हम चंद्र देवता के लिए जाते हैं तो ये जरूरी सामग्री है। आपको एक थाली चाहिए, जल के लिए एक लोटा और एक चलनी। तो मेरा तो ये बहुत ही सिंपल है। आजकल तो मार्केट में अलग अलग डेकोरेटेड भी मिल रहे हैं, तो आप उसे भी ले सकते हैं या घर में खुद से इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फूल माला ले रखी है, लाल फूल, पीले फूल और पान का पत्ता भी ले रखा है। और ये है नारियल जो कि हम करवा माता को अर्पित करेंगे, तो ये पानी वाला नारियल है।
ये आम के पत्ते हैं जो कि हम करवा में लगाएंगे, तो आप 5, 7 या 9 आम के पत्ते ले सकते हैं। ये गंगा जल है शुद्धिकरण और आचमनी के लिए, जो कि मैंने अलग से रखा है। ये भगवान के लिए जल है और इस थाली में भगवान के पूजन के लिए सभी चीज़ें हैं। पीला चंदन भगवान शिव के लिए, सिंदूर माता को अर्पित करने के लिए, दक्षिणा ले रखी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पान के पत्ते पर गौरी और गणेश जी को बनाया है। तो गौरी जी मैंने हल्दी से बनाया है और गणेश जी मैंने सुपारी पर मौली बांध करके बनाया है। इसके अलावा मैंने अच्छत ले रखा है, कुमकुम, सुपारी, लौंग, सफ़ेद चंदन और मौली ले रखा है और यहाँ पर मैंने 2 मिट्टी की दिया भी ले रखी है। देखिए कलावा, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, ये हम वस्त्र के रूप में सभी देवी देवताओं को अर्पित करेंगे। अब जो ज़रूरी सामग्री है वो है श्रृंगार का सामान। तो ये माता पार्वती को हम अर्पित करेंगे। अर्पित करने के बाद हम इसे खुद भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो सास की थाली होती है उसमें रख कर हम सास को भी दे सकते हैं। और ये आरती की थाल है, तो आप देख सकते हैं इस पंच दीपक में मैंने 4 बाती लगाया है और 1 ये खाली छोड़ दिया है, क्योंकि हम चौथ की पूजा कर रहे हैं तो हमें 4 बाती ही लगाना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ये मैंने एक अलग से घी का भी दीपक ले रखा है जिसे हम पूजा के शुरुआत में ही प्रज्वलित करेंगे। कपूर ले रखा है आरती करने के लिए, धूप बत्ती और माचिस। तो आपको पहले से ही आरती की थाल इस तरह से तैयार कर लेना है। अब बारी आती है भोग की, जिसमें मैंने कि यहाँ पर सेब और केला ले रखा है, तो आप कोई भी सीजनल फल ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मिठाई ले रखी है जो कि हम भगवान को अर्पित करेंगे। तो ये है सामग्री जो आपको चाहिए करवा चौथ की पूजा में। आप कुछ और भी सामग्री ले सकती हैं अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से या जिसका आपके यहाँ रिवाज हो। तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो मैं यही सामग्री यूज़ करती हूँ पूजा में, जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। दोस्तों, करवा चौथ पूजन विधि का वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।